आज का टॉपिक है प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं हमारी डे टू डे सप्लाई चेन एक्टिविटीज में। तो ये अक्रॉस द इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में है, अगर आप सप्लाई चेन से जुड़े हुए हैं तो फिर आपके लिए वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 सप्लाई चेन हैक्स की जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द वीडियो। हैक नंबर 1, ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क। रिपीटेटिव मैनुअल टास्क जो है एक बहुत बड़ा हेडेक होता है, क्योंकि आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को तो कम करता ही है, साथ साथ आपको प्रॉब्लम करता है आपको हर एक चीज ट्रैक करने में, हर एक चीज मेंटेन करने में। तो जितने ज्यादा हो सके मैनुअल एक्टिविटीज कम करिए, ऑटोमेशन लेके आइए, प्रोसेसर लेके आइए, टूल्स लेके आइए, और जितने भी मैनुअल एक्टिविटीज हैं उनको कम करिए। ये आपका सबसे पहला हैक है। अब इस बारे में जनरिक तो बहुत आप बात सुनते होंगे, लेकिन आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं जिससे आप समझ पाओगे कि ऑटोमेशन कितना जरूरी है और कैसे वो आपको हेल्प कर सकता है। मेरे क्लाइंट है जिनको लॉजिस्टिक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन टीम और लॉजिस्टिक टीम के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो हो ही नहीं पा रहा था। रीजन था कि जो प्रोडक्शन टीम थी उसको डेटा मैनुअली अपडेट करना पड़ता था एक एक्सेल में, फिर वो एक्सेल जाती थी ईमेल के थ्रू लॉजिस्टिक टीम के पास, और वो सुबह उसको रिव्यू करके आइडेंटिफाई करते थे कि अगले दिन की क्या एक्टिविटीज़ हैं। अब इस प्रोसेस में होता क्या था, जब वो मेल किया जाता था ना, उसमें एक डिपेंडेंसी बनी रहती थी हमेशा कि किसी ने बैकएंड में पूरी टीम का डेटा लेकर के उसको अपलोड किया हो, और अपलोड करके वो एक्सेल को प्रॉपरली मेंटेन किया हो, देन वो ईमेल पे जाए, फिर लॉजिस्टिक टीम की तरफ से कोई उसको डाउनलोड करके चेक करे कि अच्छा आज की क्या डिस्पैच प्लान है। प्रॉब्लम यह है कि अगर किसी ने डेटा गड़बड़ कर दिया, किसी ने टाइम ज़्यादा ले लिया, तो फिर आपका जो प्लान है उसमें बहुत ज़्यादा डिले आती थी। उस प्रोसेस को हमने कैसे ऑटोमाइज किया, हमने गूगल शीट्स को इंट्रोड्यूस किया बहुत लो लेवल पे, जिससे कि रियल टाइम डेटा अपडेशन चालू हुआ। उसके बाद हमने धीरे धीरे सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किए, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जब एक बार टीम धीरे धीरे ऑटोमेशन की तरफ अडेप्ट करने के लिए कंफर्टेबल हो गई। ध्यान रखिएगा, ज़बरदस्ती इम्पोज मत करिएगा, वरना आपका लॉजिस्टिक पूरा ठप पड़ सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि धीरे धीरे मैनुअल जितने भी टास्क हैं, मैनुअल जो हैबिट्स हैं, उनको ऑटोमेशन की तरफ मूव ऑन करना है। फायदा ये होगा, रियल टाइम अपडेट मिलेगा और मैनुअल अपडेशन आपका खत्म होगा, टाइम ज़्यादा बचेगा और एरर्स के चांसेस कम आएंगे। ये मेरा पहला हैक था। इसके लिए मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल एक्शंस भी दे देता हूँ, आप अपने बिजनेस में कैसे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सुनिए ध्यान से, 3 टिप्स दे रहा हूँ। पहला टिप ये है कि आप अपने डेली जो टास्क हो रहे हैं ओवरऑल सप्लाई चेन में, उनका टाइम एनालिसिस करिए। टाइम एनालिसिस से आपको ये पता चलेगा कौन से वो टास्क हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। जितने भी ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, क्या उनको करना इतना इंपॉर्टेंट है या क्या वो इतना प्रोडक्टिव है। अगर वो प्रोडक्टिव नहीं है और टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली उसको रिमूव करना होगा ऑटोमेशन के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू। सेकंड पार्ट कम्स टू फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ओनली, कि आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि कौन से वो टास्क हैं जो आपका ज़्यादा टाइम ले रहे हैं बट लेस प्रोडक्टिव हैं, उनको आप ऑटोमेशन की तरफ लेके जाइए, सॉफ्टवेयर की तरफ लेके जाइए। और थर्ड पॉइंट है, जो भी आप ऑटोमेशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, टूल्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इंश्योर करिए कि वो आपके यूजर्स के लिए यूज़र फ्रेंडली हों, आपकी टीम के लिए यूज़र फ्रेंडली हों और अडेप्टिव हों, ना कि ज़बरदस्ती उन पर इम्पोज किया जाए। अगर आप ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का, तो डेफिनेटली आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा और बहुत ज़्यादा आपको रिलैक्सेशन होगा। पॉइंट नंबर 2 है सप्लाई चेन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है कम्युनिकेशन गैप। जी हाँ, कम्युनिकेशन गैप की वजह से मैक्सिमम आपके एरर्स आते हैं, मैक्सिमम डिलेज होती हैं, और ऑलमोस्ट 20% आपका जो ओवरऑल सप्लाई चेन का टैट है वो इफेक्ट करता है। सप्लाई चेन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा तो अक्रॉस द टीम्स आपको कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। अब आज के टाइम पे होता क्या है कि आप व्हाट्सएप, ईमेल, नॉर्मल मैसेजेस का यूज़ करके आप एक कम्युनिकेशन को दूसरे टीम के पास भेजते हो। प्रॉब्लम यह है कि चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं मिस इंटरप्रिटेशन होने के, मिस होने के, या फिर बहुत बार वो मैसेज जो व्हाट्सएप पे गया है वो मिस हो जाए, क्योंकि ग्रुप पे आप कंटिन्यू मैसेज कर रहे हो। इसके लिए आपको क्या करना है, मैं बताता हूँ। क्लाइंट के यहाँ पे जब ये काम कर रहा था, वो FMCG का क्लाइंट था, उनके यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम आती थी। तो हमने एनालाइज किया कि वो कम्युनिकेशन का जो पूरा चेन है, नेटवर्क है, वो कैसा है। उस कम्युनिकेशन के हिसाब से हमने प्रोसेसेस बिल्ड किए, टच पॉइंट्स बिल्ड किए, कि जो मैनुअली आप व्हाट्सएप पे या ईमेल पे अपडेट कर रहे थे, उनको प्रोसेस के थ्रू, उनको सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेटिक टच पॉइंट के थ्रू अपडेट हो जाए, ताकि हर एक टीम को पता हो कि कब कहाँ पे क्या चीज़ चल रही है। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है कम्युनिकेशन गैप कम करने में। और आप अपने यहाँ पे इस चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, सबसे पहले आप एसेस करिए कि आपका करंट जो कम्युनिकेशन है वो कैसा है, उस कम्युनिकेशन में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। फीडबैक लीजिए अपनी टीम के लीडर से, टीम से, कि उनको किस किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, उनको नोट डाउन करा के एक टीम को असाइन करिए, एक पर्सन को असाइन करिए जो ये पूरा का पूरा असेसमेंट करके आपको देगा कि कम्युनिकेशन में कहाँ कहाँ पर टच पॉइंट्स बनाने हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करिए, डॉक्यूमेंट करके वो टच पॉइंट्स बनाइए, और देन कोई भी कम्युनिकेशन टूल पिक करिए और उनको रिक्वेस्ट करिए आपके प्रोसेस के हिसाब से वो टच
पॉइंट्स आपको बिल्ड करते देंगे। बहुत ईजी है, बहुत सस्ते में मिल जाते हैं आजकल टूल्स, ये आपकी लाइफ को डेफिनेटली बहुत आसान करने वाले हैं। खास बात है मोबाइल एप्लीकेशन भी आजकल बहुत ज्यादा चलते हैं और वेब एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा चलते हैं, तो दोनों केसेस में चाहे वो आपके सप्लायर्स हो चाहे आपकी इंटरनल टीम हो, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रीमलाइन हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है बताने वाला हूँ वो है प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। जी हाँ, बहुत बार आप इस बारे में सुनते होंगे कि प्रोसेस ऑप्टिमाइज करो, प्रोसेस बिल्ड करो, प्रोसेस सेटअप करो, लेकिन एक्चुअली करना क्या होता है इसमें? करना यह है बस कि जब आप देखोगे सप्लाई चेन को, तो सप्लाई चेन इज नॉट अ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल टास्क और इंडिविजुअल टीम्स टास्क, इट इज़ अ कोलेबरेटिव टास्क। यहाँ पे बहुत सारी टीम्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलकर के आते हैं एक प्रोडक्ट को एंड टू एंड पहुँचाने के लिए। तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास एक प्रॉपर प्रोसेस हो, क्योंकि प्रोसेस कई बार बॉटलनेक बन जाते हैं, कई बार वर्क स्टॉपर्स भी बनते हैं। तो ध्यान रहे आपको कि जो भी प्रोसेस आपने बनाया है, कहीं एक प्रोसेस की वजह से कोई आगे दूसरा प्रोसेस बॉटलनेक तो नहीं बन रहा है या फिर वर्क स्टॉपर तो नहीं बन रहा है। कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, कैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, उसके मैं आपको टिप्स देता हूँ। मैंने अपनी कंसल्टेंसी में क्या किया था कि मेरे क्लाइंट हैं जिनके पास में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी ऑर्डर फुलफिलमेंट को लेकर के, ठीक है, क्या हो रहा था कि उनको ऑर्डर्स जो भी रिसीव हो रहे थे उनके ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम पे, वहां से ऑर्डर वेयरहाउस पे जाना, वेयरहाउस से पिक होना, पिक होकर के डिस्पैच होने में बहुत सारे प्रोसेसेस, अप्रूवल्स और बहुत सारे मेथड्स से मैकेनिज्म्स थे, जिसकी वजह से होता क्या था, उनका ओवरऑल जो टैट था ऑर्डर फुलफिलमेंट को लेकर के वो डिले होता था। कई बार ऑर्डर करने के टाइम पे तो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है, बट प्रोसेसेस इतने हैं कि जब तक वो ऑर्डर पिक होने के लिए गया तब तक वो मटेरियल या तो अवेलेबल नहीं है या तो डिले हो जाएगा। अब इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमने क्या किया, हमने उस पूरे के पूरे प्रोसेस का एक फ्लो चार्ट बनवाया, डायग्राम बनवाया, डॉक्यूमेंट करवाया, और एक प्रोसेस से कितने अलग अलग प्रोसेसेस इंटरलिंक हैं उस पर्टिकुलर चीज का एक वर्कफ्लो बनवाया, और इससे हमने ये समझा कि कौन कौन से प्रोसेसेस ऐसे हैं जहां पे अलग अलग टच पॉइंट्स बन रहे हैं, और क्या उस पर्टिकुलर प्रोसेस को मोल्ड करने से, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को चेंज करने से बाकी के जितने भी प्रोसेसेस हैं उन पे क्या इंपैक्ट आ रहा है। इससे हमने ये पता लगाया कि जो प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा बॉटलनेक बनते हैं उनको हटाओ, जो प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा लेंदी हैं उनको कम करो, जो प्रोसेसेस मैनुअल हैं उनको ऑटोमेट करो, और इस तरीके से हमने पूरे के पूरे वर्कफ्लो, जो बड़ा सा वर्कफ्लो था, मल्टीपल टच पॉइंट्स थे, मल्टीपल प्रोसेसेस थे, उनको हमने कम करा, मिनिमम टच पॉइंट्स रखे, मिनिमम मैनुअल टच पॉइंट्स रखे, बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन किया, रूल्स लगाए, रूल्स के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से ही पूरी वर्कफ्लो को चलवाया, जिससे कि इफिशियंसी मोर देन 15-20% बढ़ गई विद इन 3 months ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। बहुत ज़रूरी है, आप भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो ताकि आपको हेल्प मिले आपका ओवरऑल सप्लाई चेन मैनेज करने के लिए। अगर आप एज अ एम्प्लॉय जॉब कर रहे हो तो आप ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो अपने मैनेजमेंट को, डेफिनेटली उनको बहुत पसंद आए। फोर्थ नंबर है इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी। जी हाँ, आज के टाइम पे जब AI इतना ज़्यादा बूस्ट कर रहा है, जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बूस्ट कर रही है, आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है 10 मिनट की डिलीवरी करने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे, तो उस टाइम पे आप इस कॉम्पिटिटिव जो एज है उसमें पीछे नहीं रह सकते। अगर आप टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि सारा का सारा गेम जो है आज की डेट में वो है डिलीवरी टाइमलाइन को लेकर के। अगर आपके पास कितने भी अच्छे प्रोडक्ट हों, आप एक टाइम पे डिलीवरी नहीं कर पा रहे हो, ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपका वो कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो एक टाइम के बाद ऑब्सोलीट हो जाएगा, आपकी सेल डाउन हो जाएगी। तो आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, जितना ज़्यादा हो सके टेक्नोलॉजी को यूज़ करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। जितना ज़्यादा मशीन लर्निंग AI को यूज़ कर सकते हैं उससे ज़्यादा यूज़ करिए, क्योंकि आज के टाइम पे जिसने AI को अडॉप्ट नहीं किया वो पीछे रह जाए। लास्ट फिफ्थ नंबर का है बताता हूँ, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट एंड मॉनिटरिंग। जी हाँ, ये सप्लाई चेन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं इस पर्टिकुलर टर्म पे, इस पर्टिकुलर प्रोसेस पे, बट कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करना, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पूरे प्रोसेस को, जो भी आपने इम्प्रूव करके बिल्ड किया है उस पर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि आप क्या करोगे कि जो मैंने हैक्स अभी बताएं, आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट तो कर दोगे एक बार, लेकिन अगर आप उस पर मॉनिटर नहीं करोगे ना, उस पर हर समय उसको टाइम टू टाइम री इवेल्यूएट नहीं करोगे, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम ये फंस सकती है कि आपने एज अ मैनेजमेंट प्रोसेस बिल्ड तो कर दिया, लेकिन डाउन द लाइन वो उस चीज़ को इतनी ज़्यादा एग्जीक्यूशन में लेके आ पाए या नहीं आ पाए, वो प्रॉपरली फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगी। तो आपको इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे मेथड्स आते हैं, कंटिन्यूसली फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर, मॉनिटर करना, फीडबैक लेना, आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको इवेल्यूएट करते रहना, उनका फीडबैक लेना, एंड इवन जो मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उस प्रोडक्ट का फीडबैक लेना, ओवरऑल जो सप्लाई चेन का प्रोसेस है, जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है उसका फीडबैक लेना, और आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे टाइम टू टाइम इवेल्यूएट कराते रहना आपके प्रोसेस को, और जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए टर्म्स आ रहे हैं या फिर मार्केट में नया कॉम्पिटिशन आ रहा है, उसके हिसाब से आपको अपना ऑपरेशन भी इम्प्रूव करना रहेगा, बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैंने कई बार अपने क्लाइंट्स को ये सजेस्ट किया है कि जितने भी आपके प्रोसेसेस हैं ना, उसमें आप ध्यान ये रखिए कि एक बार आप प्रोसेस जो इंप्लीमेंट करते हैं, जरूरी नहीं कि वो लाइफ टाइम चलने वाला है। कई बार मैं देखता हूं कि जो
आज हम डिस्कस करते हैं क्लाइंट के साथ में प्रोसेसेस, वो प्रोसेसेस इंप्लीमेंट होते होते 5 महीने 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन जब तक वो इंप्लीमेंट होता है तब तक कोई नई टेक्नोलॉजी नया मेथड आ चुका होता है और हमको उस पर जंप इन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं करते हैं तो हम पीछे रह जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, अगर आप अडॉप्ट नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। बहुत सिंपल सा फंडा है मार्केट का, तो ध्यान रखिए, चीज़ों का इवेल्युएट करिए और उसी हिसाब से अपने यहाँ पे बिल्ड करिए अपने ऑपरेशंस को, और डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यहाँ तक अगर आपने देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप सप्लाई चेन प्रोफेशनल हैं तो अपने मैनेजमेंट में ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा ताकि आपको बहुत सारी हेल्प मिल पाए। हम बाकी कई सारे वीडियोस बना रहे हैं सप्लाई चेन की ट्रेनिंग से रिलेटेड, हम ना केवल मैनेजमेंट को कंसल्ट कर रहे हैं बल्कि इंडिविजुअल जो सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग वीडियोज लेके आ रहे हैं। अभी मेरा एक पॉडकास्ट है प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल के साथ, जो भी इस इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, सप्लाई चेन के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट जरूर चेकआउट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, keep rocking, bye bye.